हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। अभी शाम के 5:30 बज रहे हैं और मैं जा रही हूँ मार्केट। मुझे कुछ शॉपिंग करनी है, बच्चों के लिए करनी है। बच्चों के स्कूल खुल गए ना, गर्मी छुट्टी खत्म हो गई है तो बच्चे भी स्कूल जाने लगे हैं, तो उन्हीं के लिए थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी है। जैसे कि लंच बॉक्स लेना है, बोतल और बैग भी लेना है। बैग भी उन्होंने पूरी तरह से फाड़ के रख दिया है, तो मुझे दूसरा बैग भी लेना है। और लंच बॉक्स तो सही है, बस उसका कलर थोड़ा सा निकल गया है। और बच्चे क्या करते हैं ना कि लंच बॉक्स से पेंसिल चला देते हैं या तो फिर बोतल हो उसमें पेंसिल वगैरह चला देते हैं और गिरा देते हैं, तो फिर वो पीछे का पीछे सा हो गया हल्का हल्का सा, तो देखने में अच्छा नहीं लगता, तो उनसे मैं दूसरा दिलवा देती हूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ मार्केट और अभी गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है उमस वाली, तो बस पंखा बंद होता है कि पूरा पसीना से कपड़ा भी गीला हो जाता है और चेहरा भी। तो अभी मैंने पंखा चला रखा है ना, तो अभी थोड़ा सा सही दिख रहा है चेहरा। अभी जैसे ही बंद करेंगे ना, पूरा पसीना से मेरा गीला हो जाएगा और कपड़ा भी हो जाता है। ये देखिए पूरा कपड़ा मेरा गीला है हल्का हल्का सा। अभी मैंने पंखा चलाया ना तो सही है, ऐसे जब बंद कर दूंगा तो पूरा कपड़ा मेरा गीला हो जाता है। पता नहीं क्यों मुझे इतना सारा पसीना आता है। तो अभी मैं चलती हूँ मार्केट, आप वीडियो में बने रहिए। मेरे साथ मेरे दोनों बच्चे भी मार्केट जाएंगे, लोग सारा सामान अपनी पसंद से लेंगे। आयुष अभी तैयार हो रहा है, वो खेलने चला गया था इसलिए तैयार होने में थोड़ा लेट हो गया है। तो जब तक आज तैयार हो रहा है तब तक हम उसका नीचे इंतजार करेंगे। और ये देखिए हमारे घर के सामने कितना सारा भांग का पौधा और धतूरा का पौधा निकला हुआ है। भांग और धतूरा तो आप लोग जानते ही होंगे, भांग और धतूरा शिव जी को बहुत ही प्यारा होता है। जब उनकी पूजा होती है तब उन पर चढ़ाया जाता है, खास करके शिवरात्रि पर। और ये देखिए धतूरा का फूल कितना खूबसूरत लग रहा है देखने में। ये सफ़ेद वाला फूल है। धतूरा के 3 तरह के फूल होते हैं, एक तो पीला कलर का होता है और एक होता है काला कलर का, पूरा काला नहीं होता है, उसमें सफ़ेद हल्का मिला होता है, वो भी देखने बहुत ही सुंदर लगता है। और ये देखिए कितनी सारी कलियाँ निकली हुई है, कुछ कलियाँ तो खिलकर फूल बन गए हैं, कुछ कलियाँ खिलने वाले हैं, देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा था तो मैंने सोचा मैं आप सभी दिखाऊं। और अब मैं आप सभी को धतूरा दिखाती हूँ कि धतूरा कैसा होता है। आप में से बहुत सारे लोग धतूरा को देखे भी होंगे, जो नहीं देखे हैं वो देख लीजिए कि धतूरा कैसा होता है। तो ये देखिए धतूरा कुछ इस तरह का दिखता है, इसका शेप गोल होता है और उसमें बहुत सारे कांटे लगे रहते हैं। ये कटीला फल है, देखने में तो बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन ये ना बहुत ज़्यादा जहरीला और नशीला होता है, इसलिए जानवर वगैरह इसको नहीं खाते हैं। धतूरा जहरीला नशीला बेशक होता है, लेकिन इसमें बहुत सारे औषधि गुण भी होते हैं। अगर आपके पैरों में हमेशा दर्द रहता है तो आप धतूरे के बीज या उसके पत्तों का तेल बनाकर लगा सकते हैं अपने पैरों में, उससे आपको दर्द में बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। अगर कान में दर्द है तो उस तेल को आप कान में भी डाल सकते हैं, तो उसमें भी राहत मिलेगी। और भी बहुत तरह की बीमारियों में ये काम आता है। और ये देखिए आज तैयार होकर के आ गया है, तब हम चलते हैं मार्केट और अब आपको मार्केट का व्यू दिखाते हैं। आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो अभी हम लोग मार्केट पहुंच गए हैं और ये देखिए मार्केट में कितनी ज़्यादा भीड़ है। जहाँ पे आपको भीड़ दिखाई दे रही है ना, वहाँ पे सब्जियाँ बिकती है, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा भीड़ है। मुझे बैग लेना था इसलिए मैं बैग के दुकान के पास खड़ी थी, लेकिन यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी। सभी लोग नंबर लगा के रखे थे बैग लेने के लिए, मेरा नंबर अभी नहीं आया था इसलिए मैं साइड में खड़ी थी। और यहाँ पर मैं आयशा को बोल रही थी कि तुम बैग पसंद कर लो बोर्ड में देख कर तुम्हें कौन सा चाहिए, तो देख रही थी। और यहाँ पे ना बहुत ही अच्छे अच्छे बैग मिलते हैं। और यहाँ की एक खासियत ये भी है ना कि अगर आप बैग लेकर जाते हैं, बैग अगर फट जाता है या तो फिर उसका चैन ख़राब हो जाता है या कुछ भी हो जाता है बैग के साथ, तो ये उसको ठीक करके देते हैं और उसके पैसे नहीं लेते हैं। मतलब जब तक आपके पास बैग है ना, और जब भी वो फटता है या उसका चैन ख़राब होता है और आप लेके यहाँ पे आते हैं ठीक करवाने के लिए, तो वो पैसे नहीं लेंगे, ऐसा उन्होंने बताया। आप पता नहीं लेते या नहीं लेते मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने देखा कि कुछ लोग आ रहे थे और उसको ठीक करके वो दे रहे थे। और बैग लेने के बाद फिर मैं आ गई यहाँ पर, यहाँ से मुझे लंच बॉक्स लेना था बच्चों के लिए और बोतल और भी 1-2 सामान लेने थे, तो वही मैं देख रही थी। तो एक छोटा सा दुकान है हमारे घर के पास ही है, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिलती है। तो देखिए अभी मैं दिखाती हूँ आपसे वो क्या क्या है यहाँ पे। I wanna.
अभी हम लोग मार्केट से घर वापस आ गए हैं। जो भी खरीदना था वो खरीद लिया और गर्मी से बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, उमस वाली गर्मी बन रही है, देख लीजिए। अब मैं चेहरा धो कर आई, फिर भी पसीना मेरा निकल रहा है और अब जा रही हूँ रात के खाने की तैयारी करूँगी। आज तो थोड़ा लेट हो गया मार्केट गई, तो तैयारी फटाफट से खाना बनाऊँगी। और इस वीडियो को मैं यही समाप्त करती हूँ, आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।